आज की क्लास में 12th क्लास से एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 6 क्वेश्चन है 6 से 12 तक। एफ के लिए सभी असान तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित पृथक से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 एफएक्स बराबर 2x plus 3 यदि x is less than equal to 2x minus 3 यदि x is greater than 2। सबसे पहले यहाँ हम संतत्व असंतत्व चेक करने के लिए x बराबर दोनों जगह 2 है तो 2 पर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 लेफ्ट हैंड जो लिमिट लगाएंगे तो माइनस है एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस अब एफ एक्स का मान 2 से कम हो 2 से कम किसमें है 2 से कम इधर है तुम कौन सा फलन यूज करेंगे 2x plus 3 मान रखेंगे x की जगह 2 रखो 2 बड़ा x की जगह 2 प्लस 3 2 2 4 3 7 अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 अब की बात प्लस एफ एक्स अब की बात 2 का मान x 2 से ज्यादा है 2 से ज्यादा इधर x का मान 2 से अधिक है तो फलन कौन सा यूज करेंगे ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह 2x minus 3 बराबर 2 गुणा x की जगह ये वाली वैल्यू 3 माइनस 3 हल करेंगे 3 × 6 = 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अलग अलग आइए अतः फलन x बराबर 2 पर असंतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स इज लेस देन माइनस 3 दूसरा है माइनस 2x यदि माइनस 3 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 3 लास्ट है 6x प्लस 2 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 3 अब इसमें हमें दिया गया है एक तो माइनस 3 है एक 3 है इधर माइनस 3 3 तो पहले x बराबर हम माइनस 3 पर चेक कर रहे हैं फिर x बराबर 3 पर चेक तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है तब माइनस का चिन्ह एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 अब एफ एक्स की जगह माइनस 3 से कम माइनस 3 से कम क्या है ये वाले तो मॉड एक्स प्लस 3 मॉड 3 प्लस 3 इधर बाहर निकालोगे मान लीजिए इसका 3 माइनस की वैल्यू नहीं होती प्लस 3 बराबर 6 अब राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स
एम टेंस टू माइनस तीन प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस तीन प्लस एफ एक्स का मान तीन से अधिक, प्लस है तीन प्लस तीन से ज्यादा किसमें है देखो तीन से माइनस तीन से अधिक, माइनस तीन से अधिक तो कौन वाला फलन यूज करेंगे, दो एक्स माइनस के बराबर माइनस दो गुणा ये वाला माइनस तीन उत्ती छ प्लस के छ आ गई, तो एक्स बराबर ऋण तीन पर फलन सांतत्य है। एक्स बराबर तीन पर साधन, अब की बार किससे एक्स बराबर तीन पे चेक करेंगे, एक्स बराबर तीन पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू तीन माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू तीन एफ एक्स तीन से कम, तीन से कम, तीन से कम, तीन से कम, जब तीन से कम है तो माइनस के दो एक्स, एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस दो बड़ा एक्स की जगह तीन दूसरी छ माइनस छ। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू तीन प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू तीन प्लस, अब एफ एक्स का मान तीन से अधिक, तीन से अधिक तो तीन से अधिक कौन है छ एक्स प्लस दो, छ एक्स प्लस दो मान रखेंगे एक्स की जगह तीन, छ गुणा तीन प्लस दो अलग छतियां अठारह और दो बीस अलग अलग आए दोनों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर तीन पर फलन असांतत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकाल, क्वेश्चन नंबर आठ, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स, यदि एक्स बराबर जीरो, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो यदि एक्स बराबर जीरो, अब हम पहले से फलन को सही तरीके से लिख रहे हैं व्यवस्थित क्रम में, एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड एक्स बराबर माइनस वन रखने पर, मॉड एक्स का मान माइनस वन रखना तो माइनस वन बटे वन मॉड एक्स बटे एक्स माइनस वन बटे वन बराबर माइनस वन, यदि माइनस वन क्या रखेंगे तो एक्स का मान माइनस जीरो से छोटा हो, एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो यदि एक्स बराबर जीरो ही रहेगा, अब जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स का मान एक, मॉड एक्स बटे एक्स, मॉड एक्स का मान एक बटे एक बराबर एक, यदि एक्स कितना होगा जीरो से बड़ा, बड़ा है तो प्लस रखा और छोटा है तो माइनस, तो एक्स बराबर जीरो है तो एक्स बराबर जीरो पर हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से कम, जीरो से कम कौन सा है ये वाला माइनस वन, सीधे सीधे माइनस वन आ गया इधर एक्स है, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो प्लस का मान कितना है जीरो प्लस जीरो से अधिक एक, दोनों अलग अलग आए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट
is not eligible to right hand limit. Asa phalan x बराबर जीरो पर आसान तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो माइनस वन यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। देखो दोनों जगह जीरो दिया गया, पहले इधर मान रख लो बराबर एक बटे मॉड एक्स की जगह माइनस वन ही रखना है बराबर माइनस वन यदि एक्स इज लेस देन जीरो माइनस वन यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स बराबर जीरो पर एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से कम है तो एफ एक्स का मान कितना होगा जीरो से कम, छोटा आएगा जीरो से कम तो एफ एक्स की जगह माइनस ए तो इसका माइनस ही है। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, अब एफ एक्स का मान जीरो से अधिक, जीरो से प्लस है अधिक तो जीरो से अधिक इधर आए माइनस वन, दोनों सेम आए तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः फलन संतत होगा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स इज लेस देन इक्वल वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन और इज लेस देन वन, तो दोनों जगह एक एक है तो एक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, अब मैं एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स एक से कम तो एक से कम कितना है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन मान रखेंगे एक्स की जगह एक का वर्ग प्लस वन, एक एकम एक और एक दो। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, अब की यार एफ एक्स का मान एक से अधिक, एक से अधिक कौन है ये वाला एक से अधिक एक्स प्लस वन बराबर एक्स का एक प्लस एक बराबर दो, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः फलन पर कोई असांतत बिंदु नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एफ एक्स बराबर
एक्स का 10 माइनस 1 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स सवाल नंबर 11 एक्स का 3 माइनस 3 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों जगह दो दो हैं तो एक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का 2 से कम माइनस है तो 2 से कम 2 से कम है जाए एक्स का 3 माइनस 3 एक्स का 3 माइनस 3 मान रखो 2 की घात 3 माइनस 3 2 दुनी 4 दुनी 8 माइनस 3 गया 5। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स अब की बार हमें x का मान 2 से अधिक तो 2 से अधिक किधर है 2 से अधिक एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की जगह 2 का वर्ग प्लस 1 2 दुनी 4 और 1 5 दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट अतः एक्स बराबर 2 पर फलन सांतत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स बराबर एक्स का 10 माइनस 1 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल 1 और एक्स स्क्वायर यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो दोनों जगह 1 है तो एक्स बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स अब हमें एफ एक्स का मान कितना है माइनस 1 माइनस है तो 1 से कम रखना है 1 से कम किधर है 1 से कम x का 10 माइनस 1 तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x का 10 माइनस 1 x की जगह 1 1 की घात 10 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हम राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मान 1 से अधिक 1 से अधिक कितना है 1 से अधिक एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह 1 का वर्ग 1 की कम 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अलग अलग आई है तो बराबर नहीं है अतः एक्स बराबर 1 पर फलन असांतत्य है। आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल